दोस्तों, इस सीरीज के अंदर आपने अब तक देखा कि हम डलहौजी घूमने के बाद चंबा की तरफ बढ़े और रास्ते में रॉक गार्डन, खूबसूरत जगह, बेहतरीन जहां रहने की और घूमने का आपको आनंद आने वाला है। घूमते हुए हम लोग पहुंचे चमेरी लेक, चमेरी डैम। चमेरी लेक और चमेरी डैम का हमने आनंद लिया। नेशनल हाईवे हमने छोड़ दिया और हम साइड की रोड से बढ़े चंबा की तरफ। डैम देखने में बहुत ही खूबसूरत था। चंबा पहुंचने से पहले हमने भलाई माता मंदिर में दर्शन किए। वहां दर्शन करने के बाद हम पहुंचे चामुंडा देवी। चंबा माता के दर्शन हमने वहां पर, बहुत बढ़िया दर्शन। शहर के बीचों बीच बने लक्ष्मी नारायण मंदिर में हम दर्शन करने पहुंचे। बहुत ही खूबसूरत पुराना मंदिर बना हुआ है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंचे हरि नारायण मंदिर। यहाँ दर्शन करने के बाद हमने मार्केट का आनंद लिया और आज हम म्यूजियम देखते हुए बढ़ेंगे खजियार की तरफ। चंबा की सुबह, सुहानी सुबह मुबारक हो। और आज हमारे शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज हो गया है। हम लोगों ने म्यूज़ियम अंदर से देखने जाना था लेकिन वहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। अभी सुबह सुबह हमारा प्लान हुआ है कि यहाँ से चलते हैं खजियार और खजियार से चलेंगे धर्मशाला। और म्यूज़ियम मैं बाहर से ही आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि अब हम लोग भी अंदर नहीं जा पाएंगे। बाहर से मैं आपको म्यूज़ियम दिखाता हूँ कि यहाँ ये म्यूज़ियम भी देखने वाला है। पूरी धूप खिली हुई है और बच्चों का स्कूल जाने का टाइम हो गया है। और आप यहाँ आते हैं तो होटल का स्टे बहुत ज़्यादा नहीं है, या हिमाचल गवर्नमेंट का HPTC का होटल सबसे प्राइम लोकेशन पर है। आप अगर आए तो कोशिश करें HPTC के होटल की ऑनलाइन बुकिंग लें। HPTC में क्या है कि आपकी गाड़ी भी पार्क हो जाती है और आप पैदल चंबा जो है ये सारा घूम सकते हैं। बाई कार जाएंगे तो आपको इधर से जाना होगा, यहाँ से सीधा सामने IFB पॉइंट नजर आ रहा है, यहाँ से राइट हो जाएंगे तो ये म्यूजियम की तरफ जाएगा। लेकिन ये सीधा गाड़ी आप इस तरफ नहीं लेके जा सकते, लेकिन वॉक करके तो हम जा ही सकते हैं। हॉस्पिटल से पहले लेफ्ट साइड में ही आपको म्यूजियम मिलेगा। ये मैं म्यूजियम के बाहर पहुंच चुका हूं। मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे पैदल आते हुए यहां पर। बहुत ही नज़दीक है चंबा जो है, मेन सिटी जो है, एक सर्कल में आप पूरा घूम लेंगे। ये भूरी सिंह म्यूजियम और ये 10 बजे खुलता है, शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। ये बिल्कुल सामने मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर, बीच में एक ग्राउंड, तो आप आएंगे तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। बड़ा इजीली आप हर चीज आसपास ही हैं और बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। एक चामुंडा देवी मंदिर के लिए आपको 3-1 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ये सारे डेस्टिनेशन आप जरूर कवर करें यहाँ पर। चंबा का व्यू, एक ये व्यू भी देखिए, क्या खूबसूरत व्यू है। इस समय ये आप देख रहे हैं चंबा का बस स्टैंड। बस स्टैंड के आगे हम लोग खड़े हुए हैं। चंबा सिटी, मेन चंबा सिटी से तकरीबन 3 किलोमीटर पहले ये बस स्टैंड पड़ेगा। खजियार यहाँ से रह गया है 23 किलोमीटर, पठानकोट 129 किलोमीटर। बस स्टैंड के पास ही ये फ्लाईओवर, रिवर को हम लोग क्रॉस करते हुए साइड में ये पुराना झूला पुल। ये नया फ्लाईओवर बन गया है यहाँ पर। खजियार का खूबसूरत रास्ता और लगातार चढ़ाई चढ़ रहे हैं। जय बजरंगबली, हनुमान जी का मंदिर यहाँ छोटा सा साइड पर, और कंटिन्यूस चढ़ाई 23 किलोमीटर जो है हमने लगातार ऊपर चढ़ना है। डलहौजी से यहाँ का रास्ता बंद है क्योंकि बर्फ काफी पड़ी हुई है। और अगर आपको विंटर में आना है खजियार तो चंबा से आप रूट पता कर सकते हैं खुला है या नहीं। जब आप चंबा से खजियार आएंगे, पाइन और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ खजियार, और बहुत ही अल्टीमेट नेचर का आप एंजॉय करने वाले हैं। नेचर बहुत शानदार खजियार के रास्ते में, रुक कर दिखाए बगैर मन नहीं माना। रास्ता अभी तक मुझे अच्छा मिल रहा है। चंबा सिटी से हम लोग ये हाइट पर आ चुके हैं और नीचे रिवर का व्यू
ग्लेशियर से पिघलकर जाता हुआ पानी, वाओ, अल्टीमेट नेचर। 11 किलोमीटर खजियार रह गया है और रास्ते में एक छोटा सा गांव, छोटा सा नहीं कहना चाहिए, अच्छा गांव नजर आ रहा है यहाँ पर, गजनुई गांव। इस समय हम लोग गजनुई गांव से निकल रहे हैं और रोड हमें ठीक ठाक मिल रही है, ऐसा रोड खराब नहीं है, नैरो जरूर है लेकिन किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है चंबा से खजियार की ओर जाने में। ये खजियार जाते हुए 11 किलोमीटर पहले क्वालिटी फास्ट फूड बना हुआ है काउंटर यहाँ पर। आप कराते हो? जी जी, उधर से वो वहाँ से खजियार तक ट्रैक होता है। अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड। ये पैराग्लाइडिंग भी कराते हैं। सन्नी खा रहा है मैगी, मैंने लिया है ब्रेड ऑमलेट। ये वहाँ पॉइंट है इनका, वहाँ से पैराग्लाइडिंग कराते हैं। पैराग्लाइडिंग, टैक्सी सर्विस, होटल रूम, ट्रैकिंग, जिप लाइन, एडवेंचर, ये सब अरेंजमेंट इनके पास है। ब्यूटीफुल, वाकई। जैसे जैसे हम ऊपर हाइट पर जाते जा रहे हैं और ये टर्न लेते हैं, पहाड़ घूमते हैं, ब्यूटी बदलती जा रही है, मजा ही आ गया, भले ही भले हो गई, आना कामयाब। वाकई जरूर, आप चंबा से खजियार जाते हैं तो रास्ते में कोई स्नो नहीं है, इस समय बोलते हैं कि रोड से सारी स्नो हट चुकी है ऊपर भी, और वाकई ब्यूटीफुल नजारा। डलहौजी आओ तो इसे मिस नहीं कीजिएगा। अगर डलहौजी से आपको खजियार का रास्ता बंद है तो आप चंबा होके खजियार जा सकते हैं, वो रास्ता ज्यादातर आपको खुला मिल जाएगा। काला टॉप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और यहाँ बता रहे हैं कि आपको एनिमल्स ओपन घूमते मिल जाते हैं, बाय लक एनिमल्स हैं यहाँ पर, लेकिन वो रात के समय जो है आपको यहाँ पे घूमते हुए मिल जाएंगे, तेंदुआ वगैरह सब, लेपर्ड, भालू सब हैं। लक है आपका, ओपन है और 100 रुपीस यहाँ पर एंट्री टिकट है। खजियार रह गया है 3 किलोमीटर, पाइन और देवदार के पेड़ चालू हो चुके हैं, जंगल स्टार्ट हो चुका है, धूप खिली हुई थी लेकिन अभी धूप बादल से बन गए हैं यहाँ पर, पहाड़ में मौसम बदलते पता नहीं चलता। और यहाँ साइड पे पड़ी हुई स्नो अब तो रोड से हटा दी गई है, साइडों पे आपको स्नो दिखनी शुरू हो गई होगी। खजियार में रात बिता सकते हैं, ऑनलाइन आप सर्च कीजिए खजियार होटल्स, जैसे होटल खजियार रेजेंसी, www.hotelkhajiarregency.com, होटल सुनील लॉज खजियार, उसके पास ही है ये जय जगदम्बे मंदिर खजियार। आए हैं तो मंदिर दर्शन करते हैं। बहुत सुंदर है खजियार, कहना पड़ेगा, वाकई अल्टीमेट खजियार यहाँ पर भी मैं रिकमेंड करूँगा। और ये खजियार का ग्राउंड आ गया, लेक जो बोलते हैं, अभी यहाँ गाड़ी पार्क करते हैं और उतरकर इसको एंजॉय करेंगे। ये आप व्यू देख रहे हैं खजियार ग्राउंड का, लेक के सामने मैं खड़ा हुआ यहाँ पर, और यहाँ हॉर्स राइडिंग अगर आप करना चाहें तो हॉर्स राइडिंग का एंजॉय आप कर सकते हैं। और सामने होटल्स, यहाँ भी स्टे के लिए ऑप्शन है, चंबा वाइल्ड लाइफ। चलते हैं इधर ही, इन होटल्स की बैक साइड में आपको एक नाग टेंपल मिलेगा। बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। वेलकम टू मिनी स्विट्जरलैंड। बढ़ते हैं अब नाग टेंपल की तरफ। ये बिल्कुल होटल की बैक साइड पर ही प्राचीन नाग मंदिर, प्राचीन खजी नाग मंदिर। अभी बर्फ थोड़ी सी पड़ी हुई है, बाकी तो बर्फ पिघल चुकी है यहाँ।
जी नाग मंदिर। चंबा में नाग के अनेक मंदिर हैं, जिनमें यह मंदिर अपने धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार राजा पृथ्वी सिंह 1641-1664 की धात्री दाई बाटलू ने करवाया था। मंदिर के गर्भगृह में नाग की प्रस्तर प्रतिमा प्रतिष्ठित है। मंदिर के प्रांगण में काष्ठ की आदमकद प्रतिमाएं पांडवों को दर्शाती हैं। बहुत सुंदर मंदिर है। अगर आप खजियार आते हैं तो खाली ग्राउंड देखकर ही ना चले जाएं। ये होटल के बिल्कुल बैक साइड में बहुत बेहतरीन पुराना मंदिर दर्शन करने जरूर आएं। सदियों पहले की बात, चंबा जिले में राणे हुआ करते थे। उनकी नज़र लिली नामक गांव के सामने पहाड़ पर जलती रोशनी पर पड़ी। खजाना समझकर उन्होंने उसे खोदा और वहां से चार नाग देवता प्रकट हुए। चारों को पालकी में डालकर वहां से लाया गया। नाग देवताओं ने कहा, यहां हमारी पालकी भारी हो जाएगी, वहीं से हम अलग अलग हो जाएंगे। सुकरेही नामक स्थान पर पालकी भारी हो गई, वहीं से सब अलग अलग हो गए। चारों भाइयों में सबसे बड़े क्रमशः नंगुई, जमुहार, खजियार व चुवाड़ी में बस गए। खजियार में पहले सिद्ध बाबा का स्वामित्व था। खाजी नाग ने उन्हें अपने बड़े भाई की मदद से सरपास से एक प्रकार का खेल में हराया और यह जगह जीत ली। सिद्ध बाबा ने हार के बाद कहा कि अब तू यहाँ खा और जी। तभी से इसका नाम खजी नाग पड़ा और इस जगह का नाम खजियार। खजी नाग का पौराणिक नाम पुंपर नाग था और यहाँ झील का महत्व भी बताया हुआ है। मैदानों में बनी यह झील भी अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। यह झील अंतहीन है। ऐसा माना जाता है कि शेष नाग अवतारी खजी नाग स्वयं इसमें वास करते हैं, जो कई बार स्थानीय लोगों को साक्षात दिखाई भी दिए हैं। इस झील में मणि महेश स्नान के दौरान पर भी लगती, अर्थात यहाँ पर भी पवित्र स्नान किया जाता है। एक तथ्य के अनुसार एक गडरिया गद्दी यहाँ से गुजरते हुए प्यास लगने पर झील का पानी पीने लगा तो उसके कानों की बालियाँ झील में गिर गईं। चलते चलते जब वह गडरिया सुल्तानपुर चंबा नामक स्थान पर बने पनिहार पर पानी पीने लगा तो दोनों बालियाँ उसके हाथ में आ गईं। स्थानीय लोग कोई भी शुभ कार्य करने से पहले खजी नाग के दरबार में हाजिरी अवश्य लगाते हैं। तो ये पौराणिक महत्व झील का, और खाली देखने के लिए ही नहीं, उसकी कुछ जानकारी लेना भी अनिवार्य है कि हम क्या देखने आए हैं और उसका इतिहास क्या है। तो ये अच्छी बात है जो लिखकर बताया गया है यहाँ पर। फ्रेंड्स, ये आपको घुमाया खजियार, जिसे कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड तो मैं गया नहीं, अगर आप गए हैं तो आप कमेंट जरूर करिए कि क्या ये स्विट्जरलैंड की तरह दिखता है, ताकि हमारे को भी मालूम पड़े कि स्विट्जरलैंड हमारे इंडिया में भी उससे मिलती जुलती जगह यहाँ पर है। तो बताइएगा जरूर, अगर आप स्विट्जरलैंड गए हैं तो इसके बारे में जरूर बताना, कमेंट जरूर करना। खूब एंजॉय किया, 2 घंटे से हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, वापस जाने को मन नहीं कर रहा। खजियार आओ तो नाइट स्टे बनता है। तो ये है खजियार। थैंक यू आपके पधारने का, धन्यवाद। बहुत ठंडी हवा है और ज़ोरदार हवा चल रही है इस समय। अभी यहीं पर ये टूर ख़त्म नहीं हुआ, अभी आपको देखने के लिए बहुत कुछ है। अभी आगे रास्ते में बहुत कुछ दिखाऊंगा। बने रहिए, एंजॉय करते रहिए हिमाचल की ब्यूटी को, शुरू से अंत तक देखिए, आप इसे एंजॉय करने वाले हैं। दोस्तों, अब हम खजियार से बढ़ रहे हैं जोत, जोत जगह है, जोत होते हुए चलेंगे धर्मशाला की तरफ। और व्यू आप देख रहे हैं, लगातार चढ़ाई है। खजियार से थोड़ा हम लोग नीचे उतर कर आए हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यूस चढ़ाई चढ़ रहे हैं जोत की तरफ।